नमस्ते, कैसे हो आप सब लोग। सो आज की मेरी इस वीडियो में मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट और बहुत ही बजटेड प्रोडक्ट जो कि मुझे लगता है आप सबको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो उस प्रोडक्ट के बारे में। तो ये प्रोडक्ट है गाइस, ये वाओ का एक्टिवेटेड चारकोल एंड कैरेटीन शैम्पू, और जिसमें बिल्कुल भी, जो क्या स्टेट करता है कि जिसमें बिल्कुल भी केमिकल नहीं है। जैसे इसमें नो सल्फेट, नो सिलिकॉन, नो पैराबिन, नो सॉल्ट एंड कलर। तो गाइज ये वैसे, जैसे कि मैं आप सबको बताता हूँ कि इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, ऐसा वाओ ने यहाँ पर मेंशन किया है। और ये ब्लैक कलर की बॉटल में आता है विद गोल्डन कलर की, इस तरीके से इसमें कुछ लाइनिंग्स वगैरह बनी है। दिस सेज दैट इट कंटेन्स एक्टिवेटेड चारकोल एंड हाइड्रोलाइज्ड कैरेटिन विच हेल्प्स इन रिमूविंग बिल्डअप, रिपेयर्स डैमेज, रीस्टोर्स स्ट्रेंथ। और इसकी नेट वॉल्यूम, मतलब इसकी क्वांटिटी है 300 ml, जो कि काफ़ी सही है। और इसका प्राइस है 499 rupees। ये मैंने डिस्काउंट पे लिया था, आप लोग भी इसको ले सकते हो, अमेजोन से ले सकते हो, नायका से ले सकते हो, और इसकी जो मेन वेबसाइट है आप वहाँ से भी ले सकते हो, वाओ की, नायका में। तो मैंने ये नायका से लिया है पर्सनली, क्योंकि नायका में डिस्काउंट चल रहा था, तो ये मैंने नायका से मंगाया था। और आई थिंक ये मुझे पड़ा था 320 और 330 अप्रॉक्स, शायद ऐसे ही पड़ा था मुझे। तो मैं लिंक कर दूंगा जिसने भी मुझे पड़ा था। सो ओके, सो गाइज एज यहाँ पर पीछे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर वाओ ने क्लियरली सब कुछ मेंशन किया है, उसका MRP, उसका एक्सपायरी डेट, एवरीथिंग, उसके डायरेक्शंस टू यूज़, उसमें क्या क्या की इंग्रेडिएंट है इस शैम्पू के अंदर, इसको किस तरीके से यूज़ करना है, हाउ द शैम्पू वर्क्स, तो सब कुछ यहाँ पे दिया है। वाओ ने अपना एड्रेस सब कुछ यहाँ पे दिया है, वाओ ने यहाँ पे मेंशन भी किया है मेड मेड इन द हिमालयाज, क्रूल्टी फ्री, ग्लूटेन फ्री, 100% वेगन, एवरीथिंग फॉर्मुलेटेड इन USA, एवरीथिंग। वाओ ने यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया है। यहाँ पर वाओ ने मेंशन किया है एक्टिवेटेड चारकोल और केराटिन के बेनिफिट्स को। तो जो क्या कहे कि एक्टिवेटेड चारकोल क्लेंजेस योर हेयर बाय ट्रैपिंग एंड एब्जॉर्बिंग ऑल इम्प्योरिटीज, इट प्रिजर्व्स द नेचुरल हेल्दी ऑयल्स ऑफ योर हेयर विदाउट वेइंग इट डाउन। ठीक है, तो एक्टिवेटेड चारकोल तो हम सबको पता ही है, उसका हम फेस फेस में भी यूज़ करते हैं, उसके पील्स वगैरह, उसके फेस मास्क वगैरह, क्योंकि हम सबको पता है कि एक्टिवेटेड चारकोल एक रिन्यूएबल सोर्स है, जो कि कोल्स, जो कि बेसिकली कोल होता है, जो कि हमें वुड से मिलता है, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ये फेस से जितने भी इम्प्योरिटीज, डर्ट वगैरह रहती है, या जितने भी आपके ब्लैक हेड्स वगैरह रहते हैं, उनको रिमूव करता है। एज वेल एज ये बालों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बालों से जितना भी बिल्डअप होता है, या जितना भी ऑयल वगैरह होता है, डैंड्रफ वगैरह होता है, या जितना भी आपके बालों में डस्ट पार्टिकल्स, पॉल्यूटेंट्स वगैरह होते हैं, उनको रिमूव करता है और बालों को सॉफ्ट सिल्की बनाता है बालों की। और इसमें कैरेटिन भी है, तो कैरेटिन बालों का प्रोटीन होता है, जो हम सबको पता है, बालों में क्या बोलते हैं, जब तक कैरेटिन होता है उसकी वजह से हमारे बाल बाउंसी और शाइनी दिखते हैं। तो अब कैरेटिन के लिए बोलता है ये, हेयर इज मेड ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड कैरेटिन। कैरेटिन प्रोटेक्ट्स योर हेयर फ्रॉम ब्रेकेज एंड स्प्लिट एंड्स, रिवाइव्स एंड स्ट्रेंथन्स केमिकली ट्रीटेड और डैमेज हेयर बाय नरिशिंग ईच हेयर फॉलिकल। तो कैरेटिन क्या हेयर प्रोटीन है, विच हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग, स्मूथनिंग, रिस्टोरिंग, प्रिवेंट डैमेज फ्रॉम योर हेयर, ताकि आपके बाल सॉफ्ट सिल्की शाइनी बने। तो इसमें कैरेटिन भी है, और ये शैम्पू मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि मैंने इसको 5 से 7 बार ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ मैं इसे, और मुझे इसके बेनिफिट्स काफ़ी अच्छे लगे हैं। क्योंकि जब, और ये बेसिकली इस तरीके से ओपन क्लोज तरीके से आता है, इस साइड करोगे तो ये ओपन हो जाएगा, इस तरफ करोगे, राइट हैंड साइड घुमाओगे तो क्लोज हो जाएगा। इसका फॉर्मूला भी बहुत अच्छा है, आप इसको दबाओगे, ये देखो ये शैम्पू आ गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो इसका फॉर्मूला भी बहुत अच्छा है, शैम्पू भी काफ़ी सॉफ्ट है, ये थोड़ा सा ब्लैक एंड ग्रे कलर में आता है, और काफ़ी अच्छा शैम्पू है। मैंने इसे यूज़ किया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और इसने मेरे बालों को काफ़ी सॉफ्ट बनाया, जो मेरे बाल चिपके चिपके रह रहे थे, वो उस क्या बोले, वो सब खुले खुले हो गए, मतलब बहुत अच्छे हो गए, बाउंस करने लगे। तो मुझे ये शैम्पू काफ़ी अच्छा लगा, और इसने मेरे हेयर फॉल को भी रोका। आपको एक ही बार में नहीं पता चलेगा, कम से कम 5 से 7 बार जब आप इसको ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा अबाउट द हेयर फॉल। लेकिन हेयर क्लीनिंग, हेयर क्लिनजिंग के लिए मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, आपको फर्स्ट यूज़ में ही पता चल जाएगा कि कितना अच्छा शैम्पू है, और ये बहुत अच्छा शैम्पू है, मुझे बहुत पसंद आया।
तो अगर ये मेरी फर्स्ट बॉटल है तो वाओ का मुझे प्रोडक्ट ये काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मैंने पहली बार वाओ का शैम्पू कभी मंगा के यूज़ किया है। पहले मैंने इसका नाम सुना था, पर ये काफ़ी अच्छा है रियली, और ये क्रूल्टी फ्री भी है। आई रियली लव कि एनिमल्स पे टेस्ट नहीं हुआ है, तो आप इसको ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या रिव्यूज़ हैं इसके, इस शैम्पू के रिगार्डिंग, क्योंकि मुझे तो ये बहुत पसंद आया। और मैं इसका रेटिंग की बात हो तो मैं इसको 10 में से 8 रेटिंग दूंगा, क्योंकि इसकी पैकेजिंग भी काफ़ी अच्छी है और ये लॉक अनलॉक सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा, तक जो हमारे प्रोडक्ट को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा निकलने से, स्पिल होने से। तो आई थिंक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई सीरियसली लव दिस शैम्पू। आई होप यू ऑल विल ऑल्सो लव दिस शैम्पू। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज डू लिंक इट डाउन बिलो ऑन द कॉमेंट सेक्शन, एंड मैं बहुत खुश हूँ उसे रिप्लाई करने में। थैंक यू, बाय। बना दी।